हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज एक मोस्ट अवेटेड रिज़ल्ट यहाँ पे घोषित हुआ है, और ये जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है DFCCIL का, जो स्टेशन मास्टर के लिए जो रिज़ल्ट था, स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर के लिए, तो यहाँ पे DFCCIL ने आज यहाँ पे एक अपना रिज़ल्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे जारी कर दिया है। तो रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हुआ है DFCCIL का स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर करीब करीब 850 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एग्जीक्यूटिंग ऑपरेटिंग, और यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द साइको टेस्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि इतने कितने कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए, और यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, पोस्ट वाइज कितनी थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे उनको आगे क्या करना है सबसे पहले इस लिस्ट में अपना नाम देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पोस्ट जो थी, यहाँ पे जनरल के लिए जो पोस्ट थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 53 पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी। वहीं बात करते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 18 पोस्ट थी, ठीक है, 18 पोस्ट थी। और यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ये 9 पोस्ट के लिए ये था एग्जीक्यूटिंग की, स्टेशन मास्टर के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए थी। तो यहाँ पे 29 वैकेंसी सिर्फ ओबीसी के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई थी, और इनमें से पूरी ये जो पोस्ट है इनमें से करीब करीब 15 पोस्ट जो थी वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखी गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना कट टफ कंपटीशन था, करीब करीब सभी कैटेगरी में यहाँ 50 पोस्ट भी नहीं थी, सिर्फ जनरल में ही थी यहाँ पे, ओबीसी एसटी और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे, उसमें से भी 15 वैकेंसीज जो थी वो रिजर्व थी एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वारीज वगैरह है हमें कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो और जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको हमारे मिलते रहेंगे, और भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो वो वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था 10/11/2018 को, और विभिन्न शहरों में हुआ था, और यहाँ पर इन लोगों ने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया है। शॉर्ट लिस्टेड करने के साथ साथ वो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो साइको टेस्ट के लिए यहाँ पे आगे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का सारा इसमें तो कुछ जानने लायक नहीं है, और नीचे इसमें देख लेते हैं इसमें और क्या क्या अपडेट दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता हूँ नीचे की तरफ, और इसको धीरे धीरे आप स्क्रॉल करता हूँ जिससे कि आप सभी लोग देख पाएंगे। ठीक है, करीब करीब यहाँ पे कैंडिडेट्स निकलते गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं थी यहाँ पे, तो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा देता हूँ। आप चाहें तो धीरे धीरे इसको पॉज कर लें और अपना नाम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 227, 228 कैंडिडेट यहाँ से शुरू हो गए हैं यहाँ से। तो मैं इसका जो पीडीएफ है उसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और भी आगे इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके उस पेज तक जा रहा हूँ जहाँ पे इसको आखिरी का जो पेज इन लोगों ने जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट, 700 की लिस्ट जारी हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे 700 के बाद से यहाँ पर, ठीक है, 800 की लिस्ट भी जारी हो गई यहाँ से, ठीक है, 800 कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 872 कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं साइको टेस्ट के लिए, और यहाँ पे आखिरी कैंडिडेट जो है मनोज कुमार उपाध्याय जी हैं, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है शेड्यूल फॉर साइको टेस्ट एंड वेन्यू ऑफ साइको टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन DFCCIL वेबसाइट। ठीक है, जो भी इसका जो साइको टेस्ट होगा और इसकी जो वेन्यू होगा तो वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा DFCCIL की जो वेबसाइट है, तो वो आप जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी हो जाएगा तो मैं अपना वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा कि आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, और इसमें कुछ जानकारी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये 2.1 और 2.2 का जो अपडेट दिया गया है इन पॉइंट्स में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपके द्वारा जो DFCCIL की वेबसाइट है उस पर आपका वेन्यू बता दिया जाएगा, और कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली ईमेल भेजा जाएगा
जिससे कि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड आईडी आपकी होगी और मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 2.2 पॉइंट में, साइको टेस्ट कैन नॉट बी, मतलब किसी भी स्थिति में साइको टेस्ट अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि टाइम अगर एक ही दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो नेक्स्ट अवेलेबल डेट पे इनको कंप्लीट करा दिया जाएगा और सेम टाइम रहेगा और वेन्यू उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें, और उसमें जब कभी पूरा शेड्यूल आएगा तो वो पूरी आपको उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर क्या लिखा है, नो होटल चार्ज, कोई भी आपको होटल चार्ज नहीं मिलेगा। एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी आपको एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा होटल चार्ज। बाद के थर्ड पॉइंट में और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है थर्ड पॉइंट के लिए, तो आगे की इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर दिया गया है कि साइको टेस्ट के लिए आपको क्या ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल ई कॉल लेटर ले जाना पड़ेगा जो कि डाउनलोड होगा आपका, ठीक है। साइको टेस्ट के लिए आपका उसमें वेन्यू, टाइम और डेट वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ से आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने अपने फॉर्म में लगाए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी आपका चेंज अगर आप सोच रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड पर जो डेट वगैरह चेंज करवा सकते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखी है कि सारे के सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको ले जाने हैं तो वो यहाँ पर कुछ इतना है नहीं है। साइको टेस्ट के बारे में यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने अपडेट के द्वारा आपको बताता रहूँगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करीब यहाँ पर लिखा है 863 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। इंडिविजुअली कट ऑफ क्या रहा है हमें नहीं पता है, और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं मतलब इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं, काफ़ी लोग वीडियो में हमसे पूछते रहते हैं कि सर एमटीएस का कब आने वाला है, और सब पूछ रहे थे कि डीएफसीसीआईएल के स्टेशन मास्टर का कब आना है। तो मैं उनको सिर्फ यही बता रहा था कि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और 1 मंथ का ही एक्सपेक्टेड हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा कि पहले एग्जीक्यूटिव के लिए आया, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आया, फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर के लिए आ गया, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम के लिए आ चुका है, ठीक है। अब हमने आज देखा कि स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर के लिए आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब बचा है क्या है, एमटीएस। तो एमटीएस का भी रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होने वाला है, उसकी कोई निर्धारित डेट नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूँ। तो मैं सिर्फ यही बताता हूँ कि 1 मंथ आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि और भी जो मेरा अपडेट रहता है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाता है। जैसा कि आज यहाँ मिल गया आपको, तो आपने हमारे द्वारा इंफॉर्मेशन पा ली। उसी तरीके से एमटीएस का आएगा तो एमटीएस का भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो सिर्फ इतना ही था, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और थैंक यू का भी बटन आप हमसे थैंक यू भी हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और हमारे चैनल के थ्रू कुछ आपको प्राप्त हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो एक कमेंट कर दीजिए। कोई भी क्वारीज वगैरह हैं वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। और भी जो पोस्ट आने वाली है, कल से फॉर्म भरा जाएगा एनटीपीसी का रेलवे में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो उससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी जो पोस्ट है 1,30,000 पोस्ट जो आने वाली है, ठीक है, 1,30,000 पोस्ट जो आएंगी तो वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगी, तो काफ़ी हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।